हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं दैनिक जागरण के मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, जो कि ई न्यूज़पेपर को शो करता है दैनिक जागरण। आप सभी जानते हैं कि जागरण पब्लिक प्रकाशन लिमिटेड की ये एप्लीकेशन है जो कि दैनिक जागरण के नाम से आती है, जहाँ पे आप जो न्यूज़पेपर का होता है, टुडेज का न्यूज़पेपर होता है, वो आप हिंदी में आप मोबाइल में देख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप मोबाइल में ही आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं जो न्यूज़पेपर को लेकर के, कागज़ के न्यूज़पेपर को लेकर के बैठ के नहीं टाइम रहता, नहीं पढ़ पाते हैं। इससे क्या होता है कि कागज़ की काफ़ी वेस्टेज होती है और ट्रीज और एनवायरनमेंट में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से जो है दैनिक जागरण ने अपनी नई एप्लीकेशन लॉन्च की है दैनिक जागरण के नाम से, जहाँ पे आप न्यूज़पेपर, ई न्यूज़पेपर जो है आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। साथ साथ जो है इसमें आप ऑनलाइन रेडियो भी सुन सकते हैं, चाहे रेडियो सिटी और रेडियो मिर्ची, बिग 92.7 FM हो, चाहे कोई भी हो, आप इसमें पढ़ सकते हैं। और आप अपने देश और विदेश, यानी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें भी आपको इसमें मिलती हैं, और जो भी आपको टॉपिक्स पसंद है वो आप इसमें उसके अपने हिसाब से आप इसमें पढ़ सकते हैं। और अपने पसंदीदा राज्य यानी कि स्टेट में शहर की खबरें, लोकल खबरें भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, और अन्य न्यूज़ भी सरकार, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के बारे में, गेम्स के बारे में, रेडियोज़ के बारे में, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसमें जो है काफ़ी आपको अच्छी फैसिलिटीज़ इसलिए मिल जाती है कि इसमें आप जूम करके जो है कोई भी इमेज को देख सकते हैं। और आगे आने वाले समय में ये काफ़ी जो एप्लीकेशन है वो और भी ज़्यादा उनिंदा और बेस्ट हो जाएगी। ये दो वर्जन में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज पसंद करते हैं वो लोग इसको इंग्लिश लैंग्वेज में जो है टर्न ऑन कर लें, और जो लोग हिंदी में पसंद करते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में बाय डिफ़ॉल्ट ये बनी होती है। और इसकी जो रेटिंग है वो 5 में से 4.1 है, यानी कि कहने मतलब ये काफ़ी चलने वाला एप्लीकेशन है जो न्यूज़पेपर जनरल नॉलेज और जनरल इशूज़ और सोशल इशूज़ के लिए जाना जाता है। और इसका साइज़ भी बहुत ही कम है, 14 MB का, यानी 14 MB में जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और ये ऐप काफ़ी अच्छी है, और इसमें इस ऐप के द्वारा जो है आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप सोशल इशूज़ से कनेक्ट हो जाते हैं, क्या आजकल हमारे देश विदेश और हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। यहाँ पे इसके अलावा जो है ड्राइंग, पोएट्री, आर्टिकल्स और एसेज भी लिखे गए होते हैं किड्स के द्वारा, जो है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस करने के लिए सबसे ज़्यादा मान्य होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि दैनिक जागरण हमारी एक सबसे यूनिक इंडियन यूपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूज़ करने जाने वाली सबसे अच्छी एप्लीकेशन है, जो कि हमारे कानपुर डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, कहीं सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है अवेलेबल होती है। और ये हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपको न्यूज़ और खबरें प्रोवाइड करता है, और आपको बस आपके अनुसार आप क्या देखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको बस इस पर सिलेक्शन करना होता है, और आपको हर प्रकार की नॉलेज को ये प्रोवाइड कराता है, जितने भी जनरल नॉलेज और सोशल इशूज़ से रिलेटेड होते हैं उनके विषय में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब।